रियो ओलंपिक में देश को रजत पदक दिलाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने पहली बार में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खिताब अपने नाम कर लिया है, जबकि पुरुष सिंगल्स में समीर वर्मा चैंपियन बने हैं। दरअसल यूपी बैडमिंटन अकादमी में पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के फाइनल में इंडोनेशिया की जॉर्जिया मारिस्का को 30 मिनट तक चले मैच में आसानी से 21-13 और 21-14 से मात दी। तो वहीं दूसरी तरफ पुरुष एकल में एशियन जूनियर चैंपियनशिप के उपविजेता रहे समीर ने हम वतन साई प्रणीत को 21-19 और 21-16 से मात देकर अपना पहला सैयद मोदी खिताब जीता। इस मुकाबले में पहले गेम में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच में साई प्रणीत ने बढ़त बनाए रखी, लेकिन 19-16 के स्कोर पर पिछड़ते हुए समीर वर्मा ने नेट पर शानदार शॉट की बदौलत अंक जुटाते हुए गेम को जीत लिया। आपको बता दें कि पीवी सिंधु और समीर वर्मा ने पहली बार ये खिताब जीता है। महिला और पुरुष एकल के अलावा मिक्स डबल्स में भी भारत ने जीत हासिल की है। भारत के प्रणब जेरी चोपड़ा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी ने बी सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी को 22-20 और 21-10 से हराया और मिक्स डबल्स का खिताब अपनी झोली में डाला। तो टूर्नामेंट में प्रतिद्वंदियों की चुनौती को ध्वस्त करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 5 मुकाबलों के फाइनल में भारतीयों ने 3 खिताब जीते और 3 श्रेणियों में उप विजेता रहे हैं। देखते रहिए टीवी लाइव।